बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, खुश रहें, आबाद रहें अपने अपने घरों में और अपनी अपनी फैमिली के साथ। आज मैं लेके आई हूँ लाहौरी पूड़ा, जिसे गुड़ वाला, शक्कर वाला जो होता है मीठा, ये हमारे लाहौर में बहुत खाया जाता है और बड़ा मज़ेदार सा लगता है, क्रिस्पी सा। आज मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, मेरे पास एक कप मैदा है, एक कप मैदा, ये एक कप मैदा लिया मैंने, और हाफ कप से कम कॉर्नफ्लोर और हाफ कप से कम शक्कर। ठीक है, ये तीन चीज़ें इसमें जाएंगी, एक कप मैदा, हाफ कप से कम कॉर्नफ्लोर और हाफ कप से कम शक्कर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये एक कप मैदा, ये मैंने अंदर डाला। ठीक है, और ये मेरे पास हाफ कप पानी है। ठीक है, ये देखें, हाफ कप पानी है। इसमें मैं ये शक्कर डाल के पहले घोल लूँगी, इसका मिक्स कर लेंगे शक्कर को। ठीक है, शक्कर घोल दिया, और ये जो कॉर्न स्टार्च है, कॉर्नफ्लोर है, इसको भी अंदर डालूंगी मैदे के अंदर। ठीक है, ये मैंने डाल दिया शक्कर को घोल के। बस इस पानी के साथ इसको हमने बैटर बनाना है, लेकिन डालना हमने थोड़ा थोड़ा ही है। थोड़ा थोड़ा डाल के हम मिक्स, पहले इसको खुश को मिक्स कर लेते हैं। अब इस शक्कर के पानी से हमने इसको मिक्स कर दिया, उससे थोड़ा डाल के, ताकि इसके लम्स ना बने और स्मूथ सा बैटर बन जाए। अगर आपको पानी कम लगे तो आपने थोड़ा सा पानी और लेके फिर एक चम्मच शक्कर का डाल के इसको कर लें, लेकिन अभी हम ऐसे ही बताएंगे आपको। ठीक है, अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। इस बैटर को हमने हैंड बीटर से आप बीट कर लें, अगर आप पास इलेक्ट्रिक है तो इलेक्ट्रिक कर लें, लेकिन ये कि इजी जो है ना हैंड बीटर, ये मैं उससे आपको बताऊंगी। मैंने हैंड बीटर उठाया, सारा उठा के मिक्सर को ऐसे अच्छी तरह हमने इसको फैल देना है। इतनी अच्छी तरह फैलना है कि इसमें बिल्कुल लम्स ख़त्म हो जाए, एक स्मूथ सा बैटर बन जाए। ठीक है, मेरा खालस में थोड़ा सा पानी और एक चम्मच शक्कर डाल के पहले मैं इसको स्मूथ कर लेती हूँ। से जो लम्स है ये हमने ख़त्म करने हैं, बिल्कुल कोई अंदर दाना ना रह जाए। ठीक है, ऐसे आप चम्मच से सुपर। ये देखिए, हमने इसको बीट अच्छी तरह करना है ताकि एक स्मूथ सा बैटर बन जाए, और अगर कोई इसमें कोई गुठली ना हो, कोई इसमें कोई दाना ना हो, वरना ही आपकी रेसिपी ख़राब हो जाएगी। ठीक है, मैंने अच्छी तरह इसको स्ट्रेन भी कर लिया है और ये बड़ा स्मूथ सा बैटर बन गया है। ठीक है, और इसकी एक टेक्निक मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि ये जो हलवाई होते हैं उनके पास तो बड़ी चीज़ें होती हैं, डाइयाँ जो होती हैं जिनसे ये काम करते हैं। मैंने ये बोतल ली और ये बोतल का ढक्कन है। ठीक है, इसको मैंने इसमें सुराख किए हैं, जैसे हमारे पास बड़ी सुई होती है ना, जो कढ़ाई वाली बड़ी सुई, उसको मैंने चूल्हे पे गरम किया और इसमें सारे सुराख कर दिए। ये देखिए आप, सारे मैंने इसको सुराख कर लिए, ये काफ़ी सारे सुराख हो गए हैं। देखिए आप, काफ़ी सारे इसमें सुराख हो गए। ये बोतल मैंने ली, जो आम हमारे घरों में बोतलें होती हैं। ठीक है, अब ये बैटर डाला इस पर और मैं इसको फिल कर लूँगी, और ऑयल जो एक इसकी, ये आपको
टेक्निक मैंने बतानी है कि ऑयल हमारा फुल गर्म होना चाहिए, ऑयल बिल्कुल ठंडा नहीं होना चाहिए। मैंने पहले से फ्लेम चलाया हुआ है और ऑयल फुल गर्म है इस टाइम, ठीक है। अब मैं ये बैटर इसमें डालने लगी हूँ। ये बैटर भी बड़ी मुश्किल से डलेगा, लेकिन आपने या तो आपके घर वो पानी डालने के लिए क्या कहते हैं उसे, कुप्पी जो होती है वो डालने, मेरे पास ये है बर्तन, मैं इसमें डालूंगी, इसका ये बना हुआ है, इससे मैं अपनी बोतल फिल कर लूंगी, ठीक है। बोतल फिल करके ढक्कन लगाती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें, मैंने बोतल में जो मटेरियल डाला था उसको मैंने कैप को बंद करके मैंने उल्टा कर लिया, इसलिए कि अब डालते वक्त हमारा मटेरियल बिल्कुल नीचे आ जाए और जल्दी जल्दी बन जाए, ख़राब ना हो जाए, ठीक है। ये सही टेक्निक आपने करनी है तो आपकी चीज़ परफेक्ट बनेगी। चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आपने दोनों हाथों से ग्रिप करनी अच्छी तरह बोतल की और ऐसे आपने घुमाते रहना, ठीक है। ये देखिए, ये अब ये देखिए, ये जबरदस्त पूरा बन रहा है। अभी एक साइड हो जाए, फिर मैं इसको दूसरी साइड टर्न करूंगी। माशाल्लाह बहुत अच्छा बना है। अभी जरा रेडिश हल्का सा हो जाए, फिर मैं साइड टर्न करूंगी ताकि ये टूट ना जाए। बड़े प्यास से काम करना है इसको, दोनों ये साइडें इसकी हलाएं ताकि चिपके ना, ऐसे करके आपने साइडें हलानी है। ये देखिए माशाल्लाह, अब इसमें क्रिस्पन आ रहा है, थोड़ा हार्ड हो रहा है, थोड़ा सा और हार्ड हो जाए फिर मैं फिर टर्न करूँगी इसको, ठीक है। ये देखें, एक मैंने निकाल लिया है, ये दूसरा बन रहा है। इतना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, बस इस तरह तकनीक वो फॉलो करें तो हर चीज़ ज़बरदस्त बनेगी माशाल्लाह। अब ये देखिए, ये हमने इसे उठाया, ऐसे किया, ऐसे ये देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त पूड़ा बना है। और सिर्फ तीन चीज़ों से ये पूड़ा बना है, बस इसमें टेक्निक चलती है और कोई चीज़ों को मुश्किल नहीं है। बस इसको अच्छी तरह आपने मेरी वीडियो को देखना है, एक एक चीज़ को फॉलो करेंगे, इंशाल्लाह सेम ऐसा ही बनेगा इंशाल्लाह माशाल्लाह। अब हम इसको निकालने लगे, ठीक है। ऑयल अच्छी तरह निकाल ले। ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए आप पूरा चेक करें कितना जबरदस्त बना है। बस अब एक और मैं, ये देखें जनाब, मज़ेदार सा हमारा दोहरी पूड़ा रेडी है। मज़े से खाएं, चाय के साथ खाएं, कोई घर में आपके गेस्ट आते हैं उनको हैरान करें ये बना के, कि घर में भी ये बन सकता है, ठीक है। ये देखें, बड़ी अच्छी अच्छी रेसिपी मैं आपके लिए लेके आती हूँ, और आप कमेंट ज़रूर किया करें, और मुझे बहुत खुशी होती है, मैं बहुत दिल से खुश हो जाती हूँ, एक पावर मिलती है कि नेक्स्ट भी मैं अच्छी चीज़ बनाऊँ, ठीक है। आज की रेसिपी आपको मेरी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह कल मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, एक नए एम के साथ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।